शामिल हुए भी एक महीना भी नहीं हुआ, और बहुजन समाज पार्टी में कभी रहा नहीं, लेकिन अब रास्ते देश की राजनीति के अंदर जब बंद हो गए सारे और दिखाई नहीं दे रहा कि कहां से निजात मिलेगी, तो मैं धन्यवाद करूंगा भाई नरेश गौतम जी का कि ये मुझे बहन जी के पास लेकर गए और बहन जी से मेरी बात हुई और हमने पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया। ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने शामिल होते ही मुझे वो जिम्मेदारी दी जो मैं 10-10 साल अपनी जिंदगी के 12-12 साल दूसरी पार्टियों में काटे, उनके अंदर भी मुझे नहीं मिल पाई। मैंने ईमानदारी के साथ हमेशा राजनीति करने का काम किया है, और जब हम सियासत के अंदर है तो सियासत के अंदर हम लड़ाई लड़ते हैं इख्तदार के लिए। अगर इख्तदार होगा तो अपने लोगों की हम लोग मदद कर पाएंगे, और इख्तदार नहीं होगा तो हम अपने लोगों की मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जमहूरियत के अंदर तादाद के ऊपर फैसला होता है। मैं राजनीति हमारी उत्तर प्रदेश में, और ये उत्तर प्रदेश से लगता हुआ इलाका है। मैंने इसीलिए कहा कि विकास नगर से लेकर और सितारगंज तक अगर हम लोग हमने कहा कि बहन जी की आवाज में दम दे दो, दम का मतलब दलित और मुस्लिम, अगर दलित और मुस्लिम को आपने इंटेक्ट कर करके खड़ा कर लिया तो फिर हमारे साथ तमाम अगड़े और पिछड़े चलने का काम करेंगे। और उत्तराखंड के अंदर 70 सीटों में 30 सीट ऐसी हैं जहां आप निर्णायक भूमिका निभाने का काम करते हो, जहां आप निर्णायक स्थिति के अंदर हो, लेकिन दुर्भाग्य के आपको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है, आप नहीं समझ पा रहे कि आपके पास कितनी ताकत है। बीजेपी से हमको, हम अपनी बात